गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं आपको अब से रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी। आज हम लोग करेंगे कॉग्निटिव का रिवीजन, पहला पेज का, पेज नंबर 2। द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट। दे इंक्लूड्स प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ बहुत सारे ग्रह भी होते हैं, उसको प्लैनेट्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सब सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों से ले बनता है सोलर सिस्टम। क्या क्या नाम है प्लैनेट्स का? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इट टेक्स 1 ईयर फॉर द अर्थ टू गो अराउंड द सन। अब अर्थ को, पृथ्वी को 1 साल लगता है पूरा सन का चक्कर काटने में। और 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। एज द अर्थ गोज अराउंड द सन, वी गेट डिफरेंट सीजन। जब पृथ्वी सन के चक्कर काटती है तभी मौसम भी चेंज होता है। क्या क्या होता है? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब होता है। ओके, द अर्थ, द डे चेंजेस एवरी डे एज द डे पासेस। और जैसे एक एक दिन बीतता है वैसे डेट भी चेंज होता है। तो बच्चों, आप लोग को क्या करना है इसमें? एक्सरसाइज पेज नंबर 5 का करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? सर्कल द स्मॉलर प्लैनेट इन द बॉक्स। इसमें जो छोटे प्लैनेट्स हैं उसको आपको सर्कल करना है और उसका नाम लिखना है। पहला वाला क्या है? मर्क्यूरी। दूसरे में क्या है? मार्स। थर्ड में नेपच्यून। फोर्थ में वीनस। अब आते हैं पेज नंबर 6 में। नंबर द स्क्रैम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द पजल्स टू अरेंज देम एज पर द रेफरेंसेस पिक्चर। अब बच्चों, इसमें देखिए, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपके बुक के ऊपर समर दिया हुआ है बॉक्स में, और नीचे स्प्रिंग दिया हुआ है। तो समर में क्या होता है? गर्मी का टाइम होता है। वो लड़की क्या कर रही है? बीच पे खेल रही है, बॉल दिख रहा है, फिर सन दिख रहा है। तो बच्चों देखिए, उसी को वो लोग छोटे छोटे पीसेस में से, आप जिग्सॉ पजल्स खेलते हैं ना, वैसे ये भी है। तो इसको आपको सही तरीके से इसको लिखना है कि कौन सा पहले आएगा। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या है? समर, तो नंबर 1 लिखेंगे। फिर ये ट्यूब वाली कहाँ है? नीचे आ रही है ना, तो ये 5th होगा। उसके बाद 4th होगा लड़की का चेहरा, फिर 6th होगा, फिर 3rd, फिर 2nd। फिर आइए नीचे, देखिए इसमें स्प्रिंग सीज़न है। स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है? नए नए पत्ते लगते हैं, फूल खिलते हैं, तो वो पानी डाल रही है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? स्प्रिंग लिखा हुआ। ओके, स्टार्टिंग में सबसे पहले देखिए, जो लड़की केन लेके, वाटरिंग केन लेके खड़ी है और फूल दिख रहा है, वो 5 होगा। उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6। ओके, अब आते हैं, ये लास्ट है पेज नंबर 10। रेफर द कैलेंडर, आंसर द क्वेश्चंस। अब कैलेंडर के हिसाब से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, कैलेंडर्स बनी हुई हैं आपके लिए। इफ़ यू, योर बर्थडे इज़ ऑन 2nd मे, हाउ मेनी डेज लेटर इज 27th मे। अब बोला गया कि अगर 2 मई को आपका जन्मदिन है तो आपके और कितने दिन बाकी है? May 27th आज अगर है, नहीं सॉरी बच्चों, देखिए इसमें क्या पूछा गया, इफ़ योर बर्थडे इज़ ऑन 2nd मे, अगर आपका जन्मदिन 2nd मे है तो कितने दिन बाद 27 तारीख आएगा? तो कितने दिन बाद आएगा, काउंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 24 डेज। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? टुडे इज़ May 5th एंड द स्कूल स्टार्ट्स ऑन June 3rd, हाउ मेनी वीक्स आर लेफ्ट फॉर योर स्कूल टू स्टार्ट। अब बोला गया कि आज अगर 5 मे है और आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है 3 जून को, तो और कितने हफ्ते बाद आपका स्कूल खुलेगा? तो क्या होगा? 4 वीक्स। फिर देखिए, विच डेट कम्स 60 डेज आफ्टर 15 मे, 15 मे के बाद कौन सा, 60 दिन बाद, 15 मे के 60 दिन बाद कौन सा डे आएगा? 14 जुलाई। आप यहाँ पे काउंट करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, हाउ मेनी डेज विल बी इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई हैव। अब इसके हिसाब से आपको जून जुलाई में कितने डेज है उसको आपको काउंट करके लिखना है। तो यहाँ पे होगा 61 डेज। इफ़ द सेकेंड सैटरडे फॉल्स ऑन June 8, ऑन विच डेट ऑफ जून फॉल्स द 4th सैटरडे। अब बोला गया है कि अगर सेकेंड सैटरडे 8 जून को पड़ रहा है तो चौथा सैटरडे कौन से तारीख को पड़ेगा? तो 22nd जून होगा। विच डे कम्स 25 डेज आफ्टर 14 जून। अब पूछा गया है कि 14 जून के बाद, विच डे कम्स 25 डेज आफ्टर June 14। बोला गया है कि June 14th जून के बाद और 25 दिन, 14 जून के 25 दिन बाद कौन सा तारीख पड़ रहा है? तो क्या है? 9th जुलाई।